कृष्णा राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर जो आ रही है 3 सितंबर शुक्रवार के दिन, 3 सितंबर शुक्रवार के दिन 2021 में। तो उस एकादशी के दिन हमें क्या करना है, क्या पूजन विधि है, तो चलिए आइए सुनते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के ऊपर, जो एकादशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि एकादशी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और एकादशी के व्रत करने से काफ़ी अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, काफ़ी फलदायी होता है और हम कृष्णा के करीब तो आ ही जाते हैं और श्री कृष्णा हमेशा अपने आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं, हम पर तो बनाए ही रखते हैं, साथ ही साथ हमारे परिवार पर भी अपने आशीर्वाद बनाए रखते, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो अजा एकादशी के दिन जिस तरह मैंने आपको बोला है कि हमें एकादशी की तिथि बोली जाती है ना, दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है, जिसे दशमी तिथि यानी एकादशी के एक दिन पहले उसे दशमी तिथि बोलते हैं। तो दशमी तिथि से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन हमें शाम के संध्या के समय सात्विक भोजन करना है। फिर अगले दिन एकादशी वाले दिन आप सवेरे जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करिए। मैंने आपको हमेशा बोला है सवेरे आप थोड़ा सा नहाने के समय गंगा जल का प्रयोग कीजिए। गंगा जल है, तिल है, इसका प्रयोग कीजिए, वो उससे स्नान कीजिए। स्नान करके आप सबसे पहले अपने घर की दहलीज को सफाई कीजिए, फिर आप मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर की सफाई में हमें आज के दिन श्री हरि की पूजा करनी है, श्री हरि के ऋषि के स्वरूप की पूजा करनी है। हमारे पास ऋषि के स्वरूप के फोटो तो नहीं होते हैं, बट जो श्री हरि है उन्हीं को हम ऋषि के स्वरूप के मन से, भाव से हम ये पूजा करते हैं। आपके भाव से आपको ये पूजा करनी है ऋषिकेश भगवान की आज के दिन। तो आपको ऋषिकेश भगवान का आचमन करना है, उनको पंचामृत से आप निलाइए, फिर पंचामृत से निला के उन्हें आप सुंदर पोशाक पहनाइए, सुंदर श्रृंगार कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ कीजिए। तुलसी मैया के पास भी दीप प्रज्वलित करिए। मैया तुलसी मैया को आप जल बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे एकादशी वाले दिन। फिर आपको आरती करने के बाद आपको पूरे दिन, एकादशी वाले दिन आपको आरती के बाद आप कथा कीजिए, एकादशी की कथा पढ़नी है, एकादशी की मैया की आरती भी कीजिए। आरती करने के बाद आप फिर थोड़ा समय हो तो आप हरे कृष्ण माला का जाप कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला का जाप कीजिए। जाप नहीं कर सकते हो तो पूरे दिन मन में बस यही रटे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह आपको आपका पूरा दिन, एकादशी वाला दिन आपको इसी तरह व्यतीत करना है। हमें किसी के बारे में कोई निंदा नहीं करनी, कोई चुगली नहीं करनी, हमें सिर्फ प्रभु भक्ति करनी है, श्री हरि की भक्ति करनी है। तो इस तरह आपका यह एकादशी का दिन होना चाहिए। अजा एकादशी के दिन आपको इस तरह करना है। अजा एकादशी का व्रत करने से जो भी हमारे जो बहुत पहले के कष्ट हो, जो बहुत वर्षों के हमारे जो दुख हो, वो सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं। तो मैंने आपको हमेशा से ही कहा है कि एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको एक उत्साह के साथ, एक त्यौहार की तरह आप मनाओगे ना, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हम मन में ये सोच लेते ना कि नहीं उपवास है, अरे कल तो व्रत है, अरे कल तो ये करना पड़ेगा, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। बहुत सरल है, आप फरार खा के, आप फ्रूट जूस लेके भी यह व्रत कर सकते हो। निर्जल करने वाले तो निर्जल भी करते हैं,
बट अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम एक समय का भोजन कर सकते हैं फरार का, बट हमें बिल्कुल अन्न नहीं खाना है, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अन्न खाने से हमें बहुत पाप लगता है, तो आज के दिन हमें अन्न तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है उनके लिए। और जितना हो सके कृष्ण भक्ति बढ़ाइए। आप व्रत कर रहे हो, आपकी फैमिली में आपके साथ लोगों को भी व्रत करने की उत्साह दीजिए, तो इस तरह कृष्ण भक्ति बढ़ेगी। ये अजा एकादशी करने से और मात्र पाठ सुनने से, एकादशी की कथा सुनने से हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो मेरा सभी से, मेरी इस कृष्ण फैमिली से यही रिक्वेस्ट है, और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग व्रत ज़रूर करते हो एकादशी का। तो इसी तरह मेरे इस चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। राधे राधे।